दोस्तों टेली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पे आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रा वाउचर। आज की इस वीडियो में आप समझेंगे कि कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है और टेली में कॉन्ट्रा वाउचर का यूज हम क्यों करते हैं। सबसे पहला सवाल जो है हमारा, कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है। देखो, कॉन्ट्रा वाउचर भी नॉर्मली दूसरे वाउचर की तरह एक वाउचर है, जैसे रिसिप्ट, पेमेंट, परचेस, सेल वाउचर्स है, उसी की तरह ये भी एक पार्टिकुलर वाउचर है जिसमें आप बैंक से रिलेटेड एंट्रीज को कवर करते हो। ध्यान देंगे किससे रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड एंट्रीज को। इसमें तीन कैटेगरी की ट्रांजेक्शन्स को हम कंटेन करते हैं। सबसे पहला, जब भी आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और बिजनेस में आप ट्रेड कर रहे हो, तो मान लीजिए आपके पास 2 लाख रुपए की नगद राशि है। आपने सोचा कि ऐसा करता हूं मैं कि इसमें से 50,000 या 1 लाख रुपए मेरा जो बिजनेस का करंट अकाउंट है उसमें मैं डाल देता हूं। तो जब आप अपने नगद पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो, तब जो एंट्री हम कर रहे हैं वो एंट्री हम करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में। इसी तरीके से जब आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो यानी कि विड्रॉ कर रहे हो, तो भी जो एंट्री हमारी होगी वो किस में होगी, कॉन्ट्रा वाउचर में। और तीसरा सेक्शन ये होता है कि जब आपके मान लीजिए कि एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है, बिजनेस के 2 बैंक अकाउंट है सपोज, और आप एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हो, मतलब पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो एंट्री हम करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में। मतलब तीन सेक्शन है कि जब भी आप कैश डिपॉजिट करोगे बैंक में, और जब भी आप बैंक से पैसा विड्रॉ करोगे कैश में, और या फिर बैंक टू बैंक पैसे को ट्रांसफर आप करोगे, तो हम जो एंट्रीज है उन सभी एंट्रीज को कवर करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर। सो आज की इस वीडियो में हम इन सभी पैरामीटर्स को प्रैक्टिकली कवर करेंगे। तो सिंपली चलते हैं टेली सॉफ्टवेयर में और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सो सिंपली आ जाते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक कंपनी क्रिएट की हुई है कबीर ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। यहाँ पे हमारा गेटवे ऑफ टैली है और थर्ड ऑप्शन में हमें मिलता है अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एंटर करता हूँ। अब जो जो एंट्री को हम करने वाले हैं उनका एक बार मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी एंट्रीज यानी ट्रांजेक्शन को हम यहाँ पे फीड करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है हमारी 4 एंट्रीज, जिसमें सबसे पहले हमारा एक एक्सिस बैंक का अकाउंट हम क्रिएट करेंगे और उसमें 50,000 रुपए हम डिपॉजिट करेंगे। उसके बाद मैं एक और बैंक अकाउंट बनाऊंगा HDFC बैंक अकाउंट के नाम से, और उसमें 40,000 रुपए हम डिपॉजिट करेंगे। फिर एक प्रैक्टिकल हम समझेंगे पैसा विड्रॉ करना, मतलब जो हमारा बैंक अकाउंट है सपोज एक्सिस बैंक अकाउंट है, उसमें से हम 20,000 रुपए को विड्रॉ कर रहे हैं, तो वो ट्रांजेक्शन हम करेंगे। और लास्ट और चौथा ट्रांजेक्शन हम करेंगे कि हमारा जो एक्सिस बैंक अकाउंट है और जो HDFC बैंक अकाउंट है उन दोनों के बीच पैसा ट्रांजेक्ट करेंगे, मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे को ट्रांसफर करेंगे। सो सिंपली आते हैं टैली सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास कितना कैश अवेलेबल है। तो वो चेक करने के लिए मैं F5 प्रेस करूँगा यहाँ पे और स्पेस प्रेस करके कैश सेलेक्ट करूँगा। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पास कितना करंट बैलेंस अवेलेबल है, नगद 2 लाख रुपए, राइट। अब यहाँ आते हैं F4, और F4 में यहाँ पे आ गए हम कॉन्ट्रा वाउचर में। अब यहाँ पे देखो दो सेक्शन आते हैं, एक सेक्शन आता है आपका ऊपर में और एक सेक्शन आता है नीचे में। तो ऊपर में हम कौन सा अकाउंट डालें, नीचे में हम कौन सा अकाउंट डालें। देखो ऊपर में आप वो अकाउंट डालोगे जिसमें आपको पैसे जमा करने हैं, ध्यान देना ऊपर में हम वो अकाउंट डालेंगे जिसमें हमें पैसा जमा करना है, और नीचे में हम वो अकाउंट डालेंगे जिससे पैसा कटेगा। तो ऊपर में मुझे किस में डालना है, सबसे पहले एक्सिस बैंक अकाउंट में डालना है, और वो अकाउंट मैंने अभी क्रिएट नहीं कर रखा। तो मैं यहां से प्रेस करूंगा Alt+C, क्या प्रेस करेंगे, Alt+C। तो Alt+C प्रेस करने पे ऑटोमेटिकली लेजर क्रिएशन खुल जाएगा, और यहां पे मैं लिख देता हूं एक्सिस बैंक अकाउंट। अब इसकी कैटेगरी क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आपने जो लिखा है एक्सिस बैंक अकाउंट, टैली इससे नहीं समझता कि आप उसे क्या कहना चाह रहे हो, वो समझ पाता है उसमें जो पहले से सेव्ड ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप आ गए, और यहाँ पे मैं सिर्फ B प्रेस करूंगा और आप देखिए मुझे सजेशन मिल गया बैंक अकाउंट का। तो मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट को एंटर करूंगा, और ये पूरी डिटेल मांगेगा मुझसे कि अकाउंट होल्डर नेम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है। सपोज अकाउंट नंबर हमने डाल दिया ये, ठीक है, IFC कोड जो भी है हमारा वो हमने डाल दिया यहाँ पे, कि कुछ भी डाल देता हूँ मैं, अभी तो मुझे भी याद नहीं है। सो यहाँ पे आते हैं एक्सेस 4585749, एंटर कर देंगे, और जो भी है यहाँ पे डिटेल्स, ब्रांच क्या है वगैरह, ये सारी चीजें कवर करने के बाद आपको एंटर प्रेस करना है और एक्सेप्ट करना है।
अब जैसे मैंने बताया कि अभी आप देखो जो एक्सिस बैंक अकाउंट है इसका करंट बैलेंस क्या है, जीरो, कुछ नहीं है यहाँ पे, खाली है। तो मैं यहाँ पे स्पेस प्रेस करता हूँ और मेरे पास 2 लाख रुपए कैश अवेलेबल है जो अभी हमने चेक किया था, तो मैं कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ भरता हूँ कि 50,000 रुपए मुझे उसमें ट्रांसफर करने, मतलब कि जमा करने एक्सिस बैंक अकाउंट में। तो हमने एंटर किया और अब आप देखो कि कैश मेरे पास कितना हो गया, 1.5 लाख, और एक्सिस बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए जमा हो गए, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो जो हमारा एक्सिस बैंक अकाउंट है वो क्या हो गया है, यहाँ पे डेबिट हो गया है, और कैश जो है वो क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है। तो एंटर हम करेंगे और यहाँ पे आ जाती है डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देखो कि मैंने जो भी पैसा जमा किया है तो 50,000 रुपए हो गया, और कितने 2,000 के नोट है, कितने 1,000 के नोट जमा किए, वो सारी डिटेल मुझे डालनी है। तो मैं सिंपली यहाँ डाल देता हूँ 25, 2,000 के 25 नोट, हो गया 50,000। एंटर किया, अब ये बैंक पूछ रहा है तो स्पेस का बटन दबाओ और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है स्पेसिफाई बैंक नेम, एंटर कर दो। और मैंने यहाँ पे डाल दिया एक्सिस बैंक अकाउंट या फिर एक्सिस बैंक, तो मैं एंटर कर देता हूँ। और मैंने यहाँ पे डाल दिया नरेशन कि डिपोजिटेड 50,000 कैश इन एक्सिस बैंक, राइट। एंटर किया और एक्सेप्ट किया। अब अगला ट्रांजेक्शन है कि हम 40,000 रुपए, मतलब जो अब 1.5 लाख रुपए नगद पैसा बचा है उसमें से 40,000 रुपए मैं HDFC बैंक में डाल देता हूँ। तो दोबारा टैली में आते हैं और जैसे कि मैंने बताया कि जिसमें आप पैसे डाल रहे हो, जिसमें पैसा जमा कर रहे हो, वो अकाउंट हमारा आएगा ऊपर, और जिसमें हम पैसे कटवा रहे हैं, मतलब जिससे पैसे कटेंगे, वो आएगा नीचे। तो HDFC बैंक अकाउंट हमारा ऊपर आएगा, तो मैं यहाँ पे Alt C प्रेस करता हूँ और HDFC बैंक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा HDFC बैंक अकाउंट या फिर सिंपली बैंक लिख दो, उतना भी काफ़ी है। अंडर आ जाएगा बैंक अकाउंट, अकाउंट होल्डर का नाम फिर से हमने डाल दिया कि जो हमारी कंपनी का नाम है वही है, कभी ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। अकाउंट नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पे, और जो भी अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे डाल दो। IFSC कोड जो है वो हम डाल देते हैं यहाँ पे, सो एंटर कर देंगे। और जो भी ब्रांच है डिटेल्स वगैरह कवर करेंगे आप, और एंटर करेंगे तब तक जब तक क्या ना हो जाए एक्सेप्ट। सो अभी HDFC बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्या है, जीरो। मैं स्पेस दबाता हूँ और हम सेलेक्ट कर लेते हैं कैश, कैश में कितने हैं हमारे पास 1.5 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे 40,000 रुपए जमा कर देता हूँ HDFC बैंक में। अब देखो अभी कैश मेरे पास अब कितना बच गया है, 1,10,000, और HDFC बैंक अकाउंट में 40,000 रुपए जो है वो जमा हो गए। एंटर करोगे और जो भी डिटेल जैसे हमने लास्ट टाइम भरी थी, तो मैं 20 नोट दे देता हूँ यहाँ पे, और 40,000 हो गया बैंक। स्पेस दबाया, स्पेसिफाई बैंक नेम पे क्लिक किया और यहाँ दे देंगे HDFC बैंक, एंटर कर दिया। नरेशन डाल देता हूँ मैं कि डिपोजिटेड 40,000 कैश इन HDFC बैंक, राइट। और एंटर करेंगे, क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। अब हमारा तीसरा ट्रांजेक्शन आता है कि हम 20,000 रुपए बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं। कौन सा बैंक, सपोज एक्सिस बैंक है, जिससे मैंने 20,000 रुपए विड्रॉ किए, मतलब निकाले। तो आप यहाँ टैली में आ जाओ। मैंने आपको बताया कि जहां से हमारा पैसा कटता है वो अकाउंट नीचे आता है, और जहां पे पैसा जमा होता है वो अकाउंट ऊपर आता है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं बैंक से पैसे निकाल रहा हूँ तो वो कैश अकाउंट में क्या होगा, जमा हो जाएगा। तो जमा किस में हो रहा है, कैश में। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कैश सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1,10,000 बैलेंस है, और जहां से हमारा पैसा कटेगा मैं कहां से निकाल रहा हूँ, एक्सिस बैंक से। तो स्पेस किया और यहाँ पे आ गया एक्सिस बैंक अकाउंट में। तो अभी देखो 50,000 है, और मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ कि 20,000 रुपए मैंने विड्रॉ किए। और अब ये बोल रहा है कि आपने जो पैसा निकाला है वो कैसे निकाला है, चेक से निकाला है या किसी और सोर्स से। तो मैं स्पेस दबाता हूँ, यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक चेक, एक ई फंड ट्रांसफर और एक अदर। तो अगर अदर आपने डेबिट कार्ड वगैरह से निकाला है तो अदर सेलेक्ट कर लो, चेक से दिया है तो चेक सेलेक्ट कर लो। तो आप यहाँ पे, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ चेक, तो हम चेक कर लें या फिर अदर कर लेते हैं, अदर कर लेते हैं। और यहाँ पे एक आता है आपके पास इंस्ट्रूमेंट नंबर, मतलब जहां से भी आप पैसे निकालते हो तो वहां पे आपको एक नंबर मिलता है, उसका एक रेफरेंस नंबर, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है और डेट डाल देनी है जब भी आपने पैसा विड्रॉ किया है, और एंटर करना है। अब देखो यहाँ पे कि 1,10,000 रुपए था, 20,000 रुपए हमने बैंक से निकाला और वो कैश के तौर पर हमारे पास आ गया। तो अब हमारे पास कैश कितना है, 1,30,000, और इसमें 50,000 थे, अब इसमें कितने रह गए, 30,000 रुपए। एंटर किया, नरेशन डाल दिया मैंने कि विड्रॉल
कितना 20,000 फ्रॉम बैंक, एंटर कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमारा है कि हमारा जो HDFC बैंक है उसमें से 20,000 रुपए ट्रांसफर करने हैं एक्सिस बैंक में। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल, पैसा मेरा किससे कटेगा? HDFC से, क्योंकि मैं HDFC से ट्रांसफर कर रहा हूं एक्सिस बैंक में। तो जिससे कटेगा वो आएगा नीचे और जिसमें जमा होगा वो आएगा ऊपर। तो यहां पे आप एक्सिस बैंक में मुझे जमा करना है तो एक्सिस बैंक ऊपर कर दिया, स्पेस HDFC बैंक अकाउंट, ये हमने यहां पे लिखा। और मैंने कहा कि 20,000 रुपए मुझे जमा करने। देखो अभी एक्सिस बैंक में कितना है, 30,000, इसमें है 40,000। जैसे मैं एंटर करूंगा और यहाँ पे डिटेल मुझसे पूछ रहा है तो मैंने बोला चेक के थ्रू मुझे ये देना है। और यहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट नंबर, चेक के नीचे आप देखना बॉटम लास्ट से आपको 6 डिजिट के नंबर मिलेंगे, तो वही आपको इंस्ट्रूमेंट नंबर में डालना है। और यहाँ पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ 30,000 था, ये हो गया 50,000, यहाँ 40,000 था, ये हो गया 20,000। एंटर किया और जो भी डिटेल हमने डाल दी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि ट्रांसफर 20,000 फ्रॉम HDFC बैंक टू एक्सिस बैंक, ओके। अब ये करने के बाद एंटर किया और एक्सेप्ट कर दिया। अब अगर आपको इसमें कोई भी एडिट करना है, इसे डिलीट करना है या कोई भी चीज करनी है, तो आप एस्केप करते हुए बाहर आओ और नीचे आप आओगे डिस्प्ले वाले ऑप्शन में, एंटर करना है और यहाँ आना है डे बुक में, एंटर कर दिया। अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपको सारी एंट्रीज की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, जो जो एंट्रीज हमने की है। किसी को भी एडिट करना है एंटर करो, खोलो उसे एडिट कर लो, या फिर डिलीट करना है तो उसे सेलेक्ट किया, ऑल्ट दबाया और वो डिलीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉन्ट्रा वाउचर का यूज कर सकते हो। ये चारों एंट्रीज आप एक बार दोबारा से देख लो। तो इन्हीं चीजों को हमने परफॉर्म किया। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।